हेलो बच्चों बच्चे, ये जो प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, ये प्रॉब्लम है SCV का, है ना, द फेमस बुक रिटन बाय SC वर्मा सर। तो SCV का है, ये चैप्टर है काइनेमेटिक्स, थर्ड चैप्टर SCV के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले हम रीड करते हैं, देन हम अप्रोच बनाएंगे। कहता है कि स्टेयर केस कंटेन्स 3 स्टेप्स, ईच 10 सेंटीमीटर हाई। आपको दिख रहा है यहाँ डायग्राम, मैंने मैनुअली बनाया है। दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, एंड अगेन दिस इज 10 सेंटीमीटर। ये हाइट उसका 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये जो दे रखा अपने को, ये बेस वाली लेंथ है ना, या विड्थ कह सकते हो, दिस इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज 20, दिस इज अगेन 20 20, टोटल, ठीक है। अब हमसे कहता है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन सो एज टू हिट डायरेक्टली द लोवेस्ट प्लेन। तो लोवेस्ट प्लेन तो वही ये वाला है, ठीक है, और अपर प्लेन तो आपको दिख ही रहा है ये वाला, यहाँ से रोल करती हुई बॉल आनी चाहिए। अब आप अगर चाहते हो कि ये लोवेस्ट प्लेन को हिट करे, तो वो तो अगर मैं स्पीड जो है अगर बहुत हाई रखूँगा तो भी कर ले जाएगा, बट मुझे स्पीड को मिनिमम रखना है, एफर्ट कम से कम लगाना है। तो देखो होगा क्या, ये एक ट्रैजेक्टरी तो ऑलरेडी ये हमारा जो क्वेश्चन था उसमें दिखाया हुआ, एक ट्रैजेक्टरी आपका ऐसे भी हो सकता, थोड़ा कम स्पीड लगाओगे तो थोड़ा एक ट्रैजेक्टरी ऐसे आ सकता, थोड़ा और कम लगाओगे तो फाइनली जो बनना चाहिए ना वो बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना, देखना ध्यान से। अगर मैं ऐसा इतना स्पीड एडजस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से आते आते सिर्फ ये क्या करे कि यहाँ से इस वाले पॉइंट से गुजरे, है ना, ये वाला जो पॉइंट है जो थर्ड की जहाँ से स्टार्टिंग है, इसके बाद ही जाके थर्ड वाले को हिट करेगा कहीं ना कहीं ऐसे, है कि नहीं। अब जरा एक काम करो आप, मैंने यहाँ पे एक लाइन एक्सटेंड करी इधर, इसको नीचे बढ़ाया ऐसे, ये पॉइंट ओ बोल दिया, ये पॉइंट ए बोल दिया, और ये बोल दिया मैंने, है ना, यहाँ से हिट, सॉरी मैं यहाँ से कर रहा हूँ एक्सटेंड, हाँ। अब देखना, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको बोल दिया बेटा सी, ठीक है। अगर ओ बी सी को अलग से आप बनाओ, है ना, ओ बी सी को अलग से आप बनाओ, यहाँ पे आपका ओ था, यहाँ पे स्पीड इसकी है यू, ये पॉइंट बी था, ये ऐसे गया और ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, ये प्रोजेक्टाइल आपको मैंने पढ़ा रखा, दिस इज़ हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, और जिस पॉइंट को हिट किया वो सी है। क्या मुझे ये हाइट पता है, देखो ये हाइट कितना हो जाएगा, 10 और 10, 10 प्लस 10, 20 सेंटीमीटर, ये हाइट अपने को पता है, ठीक है, ओके। अच्छा, क्या मुझे बी सी पता है, देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं इस पॉइंट को जी बोलता हूँ तो बी जी जो है 20 है, जी सी कितना है 20, तो 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया, सही है। तो हमें ये दोनों चीज़ें पता है। अच्छा, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ये पता करना हो कि ओ से लेके सी तक में जो टाइम लगा है, टाइम टेकन है ना बाई बॉल टू रीच, है ना, एट सी, ओ से सी में पहुंचने में जो टाइम आएगा वो आएगा √2h/g। एच क्या है, इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की हाइट। सर ये कहाँ से आता है, ये सिंपली आप सेकंड इक्वेशन अगर लगाओगे ना, एस इजल टू UT+ ½ of AT² तो वहाँ से निकल के आएगा। वैसे मैंने ये कंसेप्ट वीडियो में बता रखा है। तो एच कितना है, एच आपका है 20, जी कितना है, आप चाहें तो जी को 10 m/s² ले सकते हैं इस कैलकुलेशन से। देखना ये जो 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा तो 10^-2 हो जाएगा, यहाँ तो SI में ही था जी 10, तो इसने इसको कट किया, कितना आया 4 से बाहर आएगा 2, 10^-2 से बाहर आएगा 10^-1, तो जो समय लग गया वो लग गया 0.2 सेकेंड, कितना लग गया 0.2 सेकेंड। लेकिन हमसे समय नहीं पूछा था, हमसे तो स्पीड पूछा है। ये जो बी से लेके सी तक है, दिस इज़ रेंज, है ना, और इस बी सी डिस्टेंस के लिए हमारे पास दो चीज़ें की रिक्वायरमेंट होंगी, एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि यू ही है यू, और जो टाइम लगा जो अभी आपने निकाला यू इंटू टी, ये दे रखा है 40, यू दे रखा हमें नहीं दे रखा, हमें फाइंड आउट करना है, और टी आपने निकाल लिया 0.2, यू कितना आ जाएगा 40। अच्छा ये 40 किस में था, सेंटीमीटर में था, तो 10^-2 यहाँ आएगा, तो 40 × 10^-2 / 0.2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 20, एक पॉइंट हटेगा इधर आ जाएगा 20 × 10^-1 बोले तो 2, यानी आपको जो मिनिमम स्पीड उसे देनी पड़ेगी बॉल को हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे दैट मस्ट बी 2 m/s, इससे कम दोगे तो वो सेकंड वाले पे जाकर टकरा जाएगी,
इससे ज़्यादा तो आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन अगर हम बात करें कि बस लोअर मोस्ट वाले को हिट कर दे और उसके लिए मिनिमम स्पीड चाहिए, तो मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए? 32 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन SCV का, जो हमने प्रॉपरली सॉल्व कर लिया। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में या वीडियो में हम लोग अगेन एक ऐसा ही प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन SCV से उठाएंगे और सॉल्व करेंगे उसे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।